हर हर महादेव। एक प्रश्न राजस्थान के झालावाड़ जिले से इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका नाम है खुशाल, जाति लिखी हुई है राठौर, वर्ण शूद्र इन्होंने लिखा है, वहां से प्रश्न किया है। आप प्रश्न को पढ़कर के ही समझ जाएंगे कि ये किस भाव के व्यक्ति हैं। ध्यान से प्रश्न को सुने। इन्होंने लिखा है कि महाराज प्रणाम, मैं रामचरितमानस का पारायण करना चाहता हूँ। ऐसा सुना है कि कोई भी कार्य बिना संकल्प के फल नहीं देता। शूद्र होने के कारण, संकल्प मंत्र में प्रणव होने के कारण उसके जाप में अनधिकृत हूं। क्या शूद्रों के लिए कोई और विधि हो सकती है जिसमें अधर्म भी ना हो और भगवत भजन भी हो जाए? यद्यपि शूद्र को उपदेश देना निषिद्ध है, इस कारण कोई मार्गदर्शन न मिले तो भी कोई बात नहीं प्रभु, यदि कुछ हो सके तो सहायता कीजिए। प्रश्न को पढ़कर के ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो आपका भाव है दैन्य युक्त और शास्त्र निष्ठ, भगवत भक्ति निष्ठ, ऐसा भाव बना रहे तो आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। आपका कल्याण तो हो ही गया, ये समझिएगा। इसीलिए शास्त्रों ने ये बतलाया है। आपका लिखा हुआ अक्षरशा सिद्धांत सत्य है, सही लिखा है आपने। ऐसा है कि उपदेश एक अलग बात है, सामान्य रूप से मार्गदर्शन करना ये हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। और ऐसा नहीं है कि परम पद का, मोक्ष का केवल ज्ञानी ब्राह्मण ही अधिकारी है, ऐसा नहीं है। अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला प्रत्येक सनातनी परम पद का परमाधिकारी है, ये शास्त्र कहते हैं। परंतु अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्म का आश्रय लेना, दूसरे धर्म का अर्थ यहाँ कोई बौद्ध चार्वाक या मुस्लिम यहूदी क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं है, अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके दूसरे वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त होना, आसक्त होना, तो ये ही पर धर्मो भयावह, गीता में जो भगवान ने कहा है पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना धर्म जैसा भी है, अपने जिस वर्णाश्रम धर्म में है उसी का परिपालन करने में हमारा परम कर्तव्य है, दूसरे में प्रवृत्त होना ये जो है अधार्मिक है, ये बात है। तो परंतु फल में कोई भी भेद नहीं है, जो आप जानते ही होंगे। तो जैसे हमारे, जैसे आपने लिखा है कि शूद्र भाई हैं, तो उनके लिए भी, अंत्यजों के लिए भी ये जो है गाय की सेवा करना, परोपकार करना, है ना, अहिंसा का व्रत लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और सदाचार का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, तुलसी का अर्चन करना, सूर्य को अर्घ देना, गंगा का सेवन करना और समस्त वर्णों का सेवन करना, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना, ये सबके लिए विहित है, सब लोग कर सकते हैं और इसी से जो है परम कल्याण की प्राप्ति होगी। जो स्थिति, जो गति, वेद पाठी के लिए सुबह 4 बजे स्नान करके संध्या वंदन सत्कर्म संपन्न हो करके भगवान नाम कीर्तन आदि सब करते हुए और उसको जो गति प्राप्त होगी, वही गति सामान्य रूप से अपना कर्तव्य का पालन करने वाले स्त्री शूद्रों को प्राप्त हो जाती है, केवल कुछ भगवान नाम स्मरण मात्र से ही। ये सभी शास्त्रों का मुक्त कंठ और ये जो है डिमडिम घोष है और ये ही सिद्धांत है, फल में कोई भी भेद नहीं है। रही बात जैसे आपने पूछा कि हम बिना संकल्प के क्या कार्य कोई सिद्ध नहीं हो सकते, हाँ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है संकल्प, संकल्प है क्या, पहले तो ये बात देखनी पड़ेगी संकल्प क्या है और कौन करता है संकल्प को। तो संकल्प कहते हैं संकल्प विकल्पात्मकम मन, संकल्प विकल्प करना ये मन का विषय है। मन में निश्चय करना, मन में किसी बात का दृढ़ निश्चय करना ही संकल्प कहलाता है।
संकल्प मुख्य कार्य जो है मन में होता है। अब उसको हाथ में जल लेकर के भी छोड़ दिया जाता है तो ये जो है हो गया कायिक, वो मानसिक हो गया और ये कायिक हो गया। अब बोले वाचिक भी होना चाहिए तो उसी में तिथि वार नक्षत्र को बोल करके अपना नाम गोत्र आदि और उद्देश्यों को बोल करके और ये जो वाक्य बोला जाता है इसको संकल्प कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल संस्कृत भाषा में ही होता है, यद्यपि देव भाषा संस्कृत है उसको हिंदी में भी किया जा सकता है। और तो और बताएं सरल उपाय कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते इंद्रियुगम स्मरामि। वो ही जिस समय भगवान लक्ष्मी पते ते इंद्रियुगम स्मरामि, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण किया जाता है उसी समय शुभ लग्न है, शुभ तिथि है, शुभ बार है, शुभ योग है, शुभ कर्ण नक्षत्र इत्यादि सब कुछ है। तिथिर विष्णु तथा वारम नक्षत्रम विष्णु रेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। इसलिए तिथि वार नक्षत्र कर्ण योग ये जो पांच मिलाकर के जो पंचांग बनता है ये पांचों ही विष्णुमय हैं। तो मुख्य रूप से यदि कह दिया जाए कि विष्णु 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 अद्य इह विष्णु विष्णु विष्णु, इस प्रकार भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाता है और अद्य इह कह लिया जाता है कि आज यहां मैं ये कर्म कर रहा हूं, बस उसका संकल्प हो गया। तो मन में कोई कर्म करने से पहले जिनको संकल्प याद नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, अथवा जो उस कर्म संस्कृत आदि के प्रणव आदि के अधिकारी नहीं है, तो वे लोग भी जो भगवान विष्णु का स्मरण करने से विष्णु विष्णु इस प्रकार तीन बार कहने से और संकल्प के फल को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। ये सभी शास्त्रों का सिद्धांत है, क्योंकि सर्वम विष्णुमयम जगत, उनके अलावा कुछ है ही थोड़ी, ये बात है। और मुख्य रूप से अगर संकल्प को आपका ज्ञान है आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रणव के कारण नहीं कर रहे हैं तो प्रणव न बोला जाए, प्रणव की जगह पे हिरिंग कह दिया जाए तो हिरिंग भी प्रणव है ना, हिरिंग भी प्रणव है। और अनुपनीतियों के लिए, अनधिकारियों के लिए, स्त्री शूद्रों के लिए हिरिंग ही प्रणव है और उसको बिल्कुल वही फल प्राप्त होता है। तो हिरिंग कह करके भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण पूर्वक कर सकते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेकर के कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं कि मैं आज ये काम करूंगा, ऐसा मन में संकल्प कर दें, बस हो गया काम। तो इस तरीके से ये सब कार्य हो सकते हैं। और आप का इसी तरीके से जो है भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता रहे और ऐसे ही शास्त्र निष्ठा, भगवत निष्ठा और ब्राह्मणों की प्रति निष्ठा बनी रहे तो कल्याण में कोई भी जो है बाधा आने वाली नहीं है। और ब्राह्मणों को भी इस तरीके का जो है आप लोगों के प्रति सौहार्द, भ्रातृत्ववत और आपका जो मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। हर हर महादेव।